हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी करंट अफेयर प्रश्न उत्तर 10 जुलाई 2018। जी हाँ, आज हम जानेंगे हमारे इस वीडियो के जरिए, तो चलिए क्या है इसकी पूरी जानकारी। गाइस, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, हाल ही में किस राज्य में अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान के विद्यालयों, मदरसों, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 3 बार उच्च गुणवत्ता गर्म ताज़ा दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। तो वही क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहीद खाकन अब्बासी को चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की गई है। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव न्यायिकरण ने अब्बासी को चुनाव लड़ने की आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। अब्बासी ने इस फैसले को लाहौर के हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हाल ही में किस भारतवंशी को यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेशनल कमेटी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारतवंशी सीमा नंदा को यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेशनल कमेटी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में सीमा नंदा अमेरिका के मानवाधिकार और नागरिक अधिकार की सबसे बड़ी संस्था सिविल एंड ह्यूमन राइट के लीडरशिप की कॉन्फ्रेंस में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत है। वही क्वेश्चन नंबर 4 आता है, द स्पिरिट टू सर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा द स्पिरिट टू सर पुस्तक के लेखक JW मैरियट जूनियर है। इस पुस्तक में बताया गया है कि मेहनत, दृढ़ता और अपने कार्य पर ध्यान ही सफलता दिलाती है। जैसा कि गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेद विज्ञान आलोक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा वेद विज्ञान आलोक पुस्तक के लेखक अग्निव्रत नैष्टिक है। इस पुस्तक में वेदों के गद्य में लिखी कविताओं का वर्णन किया गया है। तो वही क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कबड्डी मास्टर्स का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका उत्तर होगा कबड्डी मास्टर्स का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने कबड्डी मास्टर्स के फाइनल मुकाबले में ईरान को 44.26 से हराकर ये खिताब जीता है। वही क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर होगा मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब मलेशियन खिलाड़ी ली चिंग वेई ने जीता है। वेई ने मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में जापान के केंटो मोमेटा को 21-17 से अथवा 23-21 अथवा 23-21 से हराकर खिताब जीता है। वेई ने 12वीं बार मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। हाल ही में असर 15 उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा असर 15 उत्सव नेपाल में मनाया जा रहा है। ये उत्सव मानसून में यहाँ की धान की बिजाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंध में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका आंसर होगा सिंध में पहला डाक टिकट 1 जुलाई 1852 में जारी किया गया था। सिंध में जारी किए गए इस डाक टिकट का नाम सिंध डाक टिकट रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, मक्का के सुरंग से जा रहे भक्तों में भगदड़ कब मच गई थी? तो इसका उत्तर होगा मक्का के सुरंगों से जा रहे भक्तों में भगदड़ 2 जुलाई 1990 में मच गई थी। इस हादसे में करीब 1400 लोगों की जान चली गई थी। प्रतिवर्ष दुनिया भर से 20 लाख से ज्यादा लोग हज यात्रा करते हैं। हज में पुरुष 2 टुकड़े वाले बिना सिलाई के सफेद चौगा पहनते हैं, महिला सफेद रंग के खुले कपड़े पहनती है जिनमें उनके हाथ और चेहरा खुले रहते हैं। जैसा कि दोस्तों, अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी हिंदी करंट अफेयर की जानकारी के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।